Yesterday we have discussed about angles definition, okay? कल हमने जो डिस्कस किया था वो एंगल्स की डेफिनेशन की हमने डिस्कस किया था. आज मैंने आपको ये बोला था कि हम लोग मेजर करेंगे एंगल्स को, ठीक है? तो मेजर करने के लिए, एंगल्स को मेजर करने के लिए आप लोगों को पता है कि हमें प्रोटेक्टर की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? प्रोटेक्टर की. तो आपको, आपके पास सबने ही प्रोटेक्टर ले लिया होगा, ओके? किस तरीके से हम लोग करेंगे ये देखिए. ये प्रोटेक्टर है, ठीक है? जस्ट वी विल कंटिन्यू आवर क्लास. सो हम लोग, मैंने आपको कल ये बोला था प्रोटेक्टर के बारे में. तो प्रोटेक्टर इसी तरीके का होता है, आप लोगों ने परचेज किया होगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम प्रोटेक्टर के थ्रू मेजर करेंगे, ठीक है? तो प्रोटेक्टर में ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ऊपर आपके पास भी यदि प्रोटेक्टर है तो ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है. सबसे स्ट्रेट एंगल जो होता है, कल हमने भी पढ़ा था राइट एंगल, तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो सबसे ऊपर एंगल, स्ट्रेट एंगल बनता है, ठीक है? यहाँ पे आपके 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है? इसके बाद 90 डिग्री के बाद यहाँ पे 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 और उसके ऊपर 100, 110, 120 ये दिए हैं. आपको क्या है, नीचे वाले नंबर से मतलब रखना है बस. आपको नीचे वाले नंबर्स को ध्यान में रखना है कि 90 से 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. 90 से छोटे जितने भी एंगल्स बनेंगे, ठीक है, वो आपके राइट हैंड साइड पर बनेंगे, ठीक है? और 90 से बड़े जितने भी एंगल्स बनेंगे वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर बनेंगे, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए हम ध्यान में देखते हैं, एक एंगल बनाते हैं, ठीक है? सपोज करिए मुझे एक एंगल बनाना है 50 डिग्री का, ठीक है? एक एंगल बनाना है हमें, 50 डिग्री का एंगल को मेजर करना है, ठीक है? तो 50 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? 50 डिग्री का एंगल हमें, देखिए आपको क्या करना है, एक आप सबसे पहले ये देखिए अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है? प्रोटेक्टर को किस तरीके से रखेंगे? स्ट्रेट रखना है आपको. टेढ़ा अगर प्रोटेक्टर रखा तो आप टेढ़े ही, आपका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं बैठेगा, ठीक है? तो अब ये देखिए कि आपको ये स्ट्रेट आप इस तरीके से रखोगे अपना प्रोटेक्टर, ठीक है? स्ट्रेट रखने के बाद ये जो आपके मार्क बीच में एक लाइन बनी हुई होगी, छोटा सा ब्लैक कलर की डॉट लगा हुआ होगा आपके प्रोटेक्टर पे, तो आपको उस डॉट तक हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है? उस डॉट से मतलब ये देखिए किस तरीके से हाफ लाइन मेजर हो जाएगी, ठीक है? आपको उस डॉट से लेकर के यहाँ तक में आपको एक हाफ लाइन ड्रॉ करोगी, ठीक है? इस पे यहाँ पे आप एक पॉइंट बना देंगे जिसका नाम हम लिख देंगे ए, ठीक है? इस ए पॉइंट पर आपको अपना प्रोटेक्टर रखना है. हाफ प्रोटेक्टर रखोगे, जो आपके प्रोटेक्टर पर ब्लैक डॉट बना हुआ है वो डॉट आपके ऊपर, आपकी इस लाइन के डॉट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है? आप ये देख रहे हो कि मैम का प्रोटेक्टर भी स्ट्रेट है, ठीक है? और ये जो आपका प्रोटेक्टर जो है, ठीक है, उसकी जो डॉटेड डॉट बना हुआ होगा वो आपके ए डॉट के ऊपर आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद हमें 50 डिग्री का बनाना है. तो मैंने कहा था 90 डिग्री से जो छोटे एंगल होंगे वो किस तरह बनेंगे, 50 आपके राइट हैंड साइड पर बनेंगे, ठीक है? तो 50 डिग्री किस तरह बनेगा, यहाँ पे, ठीक है? 50 डिग्री किस तरह बनेगा, ये 50 लिखा हुआ है, 90 से छोटे 80, 70, 60, 50. तो हमने यहाँ पे पहले डॉट लगा देंगे 50 डिग्री के पास. ये देखो ये डॉट दिख रहा है आपको, ठीक है? मैंने ये डॉट लगाया है. तो अब क्या करेंगे, इस डॉट को लगाने के बाद हम इस डॉट को इस तरीके से या तो स्केल से या फिर इसी प्रोटेक्टर से आप इसको ज्वाइन करवा देंगे, ये डॉट और ये जो ए वाली लाइन है वो आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो ये एंगल जो बनेगा वो आपको कितने डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा. अब जब यदि आप मेजर करते हो कि क्या हमारा 50 डिग्री
डिग्री सही आया है तो आप किस तरीके से मेजर करोगे? इस तरीके से, ठीक है। आपने अगर यदि अपना प्रोटेक्टर यदि जरा सा भी टेढ़ा रखा होगा तो आपका 50 डिग्री नहीं आएगा। ये देखो मेरे इधर 50 डिग्री बन चुका है, अब आप भी चेक करो कि आपके उधर भी 50 डिग्री का बना है। तो प्रोटेक्टर में बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि किस तरीके से मेजर किया जाता है। उस बनाते वक्त हमें प्रोटेक्टर को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि प्रोटेक्टर हमें स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है। उसके बाद आपको जो प्रोटेक्टर की हाफ लाइन होती है, डॉटेड लाइन होती है, ठीक है, उसके वहां तक हाफ लाइन, प्रोटेक्टर से हाफ लाइन आपको खींचनी है। फिर उसके बाद वो जो पॉइंट आएगा, प्रोटेक्टर का जो पॉइंट बना हुआ है डॉटेड पॉइंट, वो आपका ए पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। और 90 डिग्री बिलो जो एंगल्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड बनेंगे, और 90 डिग्री से बड़े एंगल्स जो हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर बनेंगे। चलिए एक्सरसाइज पर हम बाद में आएंगे, पहले एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक तो 90 डिग्री का एंगल बना के दिखाओ और एक 60 डिग्री का। बनाइए 90 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बनाओ, फिर हम चेक करेंगे कि क्या आपने सही बनाया है या गलत बनाते हैं। देखो मैंने 90 डिग्री और 60 डिग्री का बोला था बनाने के लिए, ठीक है। एक बार बोर्ड पर देख लीजिए किस तरीके से बनता है 90 डिग्री और 60 डिग्री का। ये 90 डिग्री का बनाएंगे पहले। आपको पता है कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी 90 डिग्री, इट मींस राइट एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको प्रोटेक्टर अपना स्ट्रेट रखना है, मिड लाइन से आप लोग अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया हाथ, इसके ऊपर 90 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तो मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। तो 90 डिग्री की फिर लाइन हम इस तरीके से ज्वाइन करवा देंगे आर से, जहां आपने डॉट लगाया है वहीं पे आप लाइन को ज्वाइन करवा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 90 डिग्री का एंगल, ओके। इसी तरीके से मैंने एक और बोला था 60 डिग्री का, ठीक है। तो बिलो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री 60 डिग्री का बनेगा आपके राइट हैंड साइड पे ही बनेगा। तो अब ये देखिए वापस से मिड लाइन से हम ज्वाइन करेंगे, इसका नाम मैंने रख दिया L, ठीक है। और 60 डिग्री पे ये देखिए आपके राइट हैंड साइड पे बनेगा 60 डिग्री, ये आ रहा 120 के नीचे, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको इस तरीके से L से ज्वाइन करवा दूंगी इसको, ठीक है। L से मैंने ज्वाइन करवा दिया तो ये क्या बन गया 60 डिग्री का। एक बार हमें दोबारा से चेक भी करना चाहिए बनने के बाद कि क्या हम ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, प्रॉपर है, क्योंकि कई बार हमारा मेजर गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए हम दोबारा से चेक करते हैं इसको। सबसे पहले L पॉइंट के ऊपर इसको रखेंगे और सीधे स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए 60 डिग्री का बन रहा है पूरा, ठीक है। तो 90 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों ही एंगल क्या कहलाएंगे हमारे, 90 डिग्री तो कहलाएगा आपका राइट एंगल और 60 डिग्री कहलाएगा एक्यूट एंगल, ओके। दोबारा से हम दो एंगल्स बनाएंगे और अब कौन से एंगल बनेंगे 120 डिग्री का और एक बनेगा 150 डिग्री का, ठीक है। तो ये दो एंगल बनाने हैं 150 डिग्री। आपको ये पता है ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, ठीक है। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो 120 एंड 150 का बनाइए फटाफट से, 120 डिग्री और 150 डिग्री इस तरीके से बनेगा। जिनको समझ में नहीं आया वो भी दोबारा देख लो। वापिस से हम इस लाइन को अब इस तरफ खींचेंगे, आपकी ये एक स्ट्रेट लाइन, ये तो आपको पता ही है। 120 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो 60 के नीचे 120 लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसको यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया ए, ठीक है। इस पॉइंट को इस ए से मैं जोड़ दूंगी, ठीक है। इस पॉइंट को इस ए से मैंने जोड़ दिया तो ये क्या बन गया 120 डिग्री। और ये क्या है, ठीक है, रे है, ठीक है। और ये दो रेज आपस में मिल रही हैं इस पॉइंट पे तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो 120 डिग्री का हो गया। अब इसी तरीके से 150 डिग्री का बनाएंगे, अगेन वापस एक लाइन खींचेंगे 150 डिग्री। आपको पता है 30 डिग्री से ठीक नीचे आ रहा है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसको नाम हमने दे दिया ओ।
O, इस पॉइंट को इस O से जोड़ देंगे, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? 150 डिग्री का, ठीक है? और जब कभी भी एक स्ट्रेट एंगल बनता है, आपको पता है, मैंने कल बताया था, हमने इस बारे में बात भी करी थी, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या कहलाएगी? एक बीच में पॉइंट होगा और ये 180 डिग्री का होगा, ठीक है? तो ये कहलाएगा 180 डिग्री, इट मींस स्ट्रेट एंगल, ठीक है? तो हमने आज क्या पढ़ा? एंगल्स बनाने सीखे, ठीक है? 120 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब कल की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हाउ कैन मेजर एंगल्स, ठीक है? एंगल्स को किस तरीके से मेजर किया जाता है, ठीक है? तो वापिस से कल हम आपके पास प्रोटेक्टर्स होना चाहिए, ठीक है? प्रोटेक्टर के साथ ही हम मेजर करेंगे, ओके? सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट टुमारो।